बुलंदशहर देहात कोतवाली क्षेत्र के एनएच 91 के किनारे बीती 22 मई को खेत में अज्ञात महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि मृतका की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई और मृतका के हत्यारे कोई और नहीं बल्कि मृतका से अवैध संबंध बनाने वाले दो युवक ही थे। आपको बता दें कि 22 मई की सुबह बुलंदशहर की देहात कोतवाली पुलिस को दोस्तपुर गांव के पास नेशनल हाईवे 91 के किनारे खेत में अज्ञात महिला का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जबकि मृतका की पहचान अलीगढ़ निवासी अमरीन के रूप में हुई थी। पुलिस के मुताबिक पति से अनबन होने पर अमरीन 3 साल से मायके में रहती थी और इसी बीच अमरीन के मेरठ निवासी दिलशाद और गुलाफ्टी निवासी कदीम से अवैध संबंध हो गए थे। मृतका से लगातार संबंध बनाने के लिए दोनों आरोपियों द्वारा बुलंदशहर में किराए का कमरा लिया गया। पुलिस की माने तो मृतका भी दोनों आरोपियों से मिलने के लिए बुलंदशहर आ जाती थी, जबकि पुलिस का दावा है कि घटना की रात भी मृतका आरोपियों से मिलने आई थी, जिसके बाद आरोपियों द्वारा मृतका से संबंध बनाने का दबाव बनाया गया और मृतका ने अगली सुबह रोजा रखने का हवाला देकर संबंध बनाने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज आरोपियों ने मृतका के दुपट्टे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को खेत में फेंककर आरोपी फरार हो गए। ये 22 मई की रात को एक महिला का शव प्राप्त हुआ था सुबह के समय, जो संभवतः 21/22 की रात में हत्या करके शव दोस्तपुर फ्लाईओवर के नीचे कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में डाला गया था। शिनाख्त के बाद महिला की पहचान अमरीन नाम के रूप से हुई, जिसकी शादी आबिद नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी, जो कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का रहने वाला था। लेकिन 3-4 साल पहले ही महिला का अपने पद से बिलगाव हो गया है और बिना तलाक लिए वो यायावर की तरह घूम फिर करके जी रही थी। महिला अच्छे चाल चलन की नहीं बताई जाती थी। पिता ने भी उसका बहिष्कार कर दिया था, अलीगढ़ की मूलतः रहने वाली थी। अब वो जगह जगह स्थान बदल बदल के जो भी इस तरह के लोग मिलते थे अपने अनुकूल, उसको उन्हीं के साथ कुछ दिन समय बिताती थी। महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने हर स्तर पर प्रयास किया। पहला संदेह पथ की तरफ था, जिसके बारे में संभावना थी कि संभवतः लोक लाज और अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए पति हत्या करा सकता है। पिता ने भी महिला का त्याग कर दिया था, पिता के ऊपर भी शक था। महिला की CDR से LID के विश्लेषण से भी पाया गया कि महिला दिन में 100-150 किलोमीटर चलती थी। लॉकडाउन के दौरान भी वो ट्रकों से यात्रा करती थी, अन्य कोई साधन नहीं थे। तो तमाम प्रयास के बाद लास्ट में दो लड़के आबिद और कदीम और दिलशाद नाम के दो लड़के प्रकाश में आए, जिनका इस महिला से वर्षों के साथ इलिसिट रिलेशन था, जिसमें से दिलशाद मेरठ का है और कदीम जो है गुलावटी का रहने वाला। लेकिन ये दोनों लड़के शहर क्षेत्र में कोतवाली नगर क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे और टाइल्स लगाने का काम करते थे। महिला प्रायः आकर के इनके साथ रात में रुका करती थी। उस रात को भी महिला इनके साथ थी और किसी बात पे दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। इन लोगों ने दुपट्टे से महिला का गला घोंट दिया और मोटरसाइकिल पर लाद के ले गए, दोस्त फ्लाईओवर के नीचे उसके शव को डाल दिया। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है, जिसपे लाद करके महिला के शव को ले जाया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है, जबकि पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।